सचिन ने सबका फोटो शूट कर दिया भाई सचिन की भारी, और आपने वीडियो चालू कर दिया। हाँ तो ये कोई बात हुई, वीडियो में ज्यादा बेटर व्यू आ रहे हैं। हम तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और फोटोग्राफर तीनों की जिम्मेदारी संभाल के बैठे। सचिन आपकी कॉलर आधी नीचे है आधी ऊपर है, इसका राज बताए दो आज कॉलर का। राज कुछ नहीं है गाइस, ये बस ऐसे करके पहनना ही अच्छा लगता है, इसके नहीं। सच बताओ, कोई मोटिवेशन नहीं। सच बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कॉलर ऊंची करूँ तो थोड़ा ठीक दिखूंगा, ये मेरा। और सच बोलो, थोड़ा और सच बाकी है। मुझे लगता है मेरी गर्दन थोड़ी लंबी है तो मैं थोड़ी गर्दन मेरी छुपा लूं, मुझे लगता है, मुझे ये पता नहीं है कि मेरी गर्दन लंबी है। लेकिन लंबी गर्दन तो सुंदर कंसिडर की जाती तो है। गाइस आप बताओ कि मैं ऐसे करूं, ऐसे में आपको रूड तो नहीं लगता ना गाइस? सचिन कोई जो हमारे समाज में एक वो बात है कि कोई ऐसे कॉलर ऊंची कर रखे भैया। हाँ, जैसे मारवाड़ी में क्या हो गया? आवाज तो गई, लेकिन पहले कॉलर का टॉपिक मैं क्लेरिफाई कर दूं गाइस। ऐसा नहीं है कि सचिन को राउडी बनकर रहना पसंद है, ये सचिन की इनसिक्योरिटी है कि सचिन को लगता है गर्दन लंबी है अच्छा नहीं दिखता, इसलिए कॉलर ऊपर करके सचिन अपनी गर्दन को छोटी करते हैं। बट आपकी गर्दन बहुत अच्छी है और मुझे अच्छी लगती है, तो क्या मतलब है फिर किसी और को लगे ना लगे? ऐसे अच्छा लगना चाहिए तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं। हाँ, और आवाज का बताओ, अब गई आवाज? आवाज गई गाइस। रवि ना, आपने गवाही है कुछ ने चॉकलेट के ऊपर पानी पी के, चॉकलेट पानी। बट मिल्क की क्रीम भी तो खाई थी, उसका भी बता दो। हाँ, चॉकलेट पानी। एक्चुअली बेचारे जीजू साली और बीवी को मैनेज करते 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 आवाज अपनी दबवा चुके हैं, वायरल हो गया वायरल। अब स्विट्जरलैंड है तो ड्रोन ना उड़े तो ट्रिप इनकम्प्लीट है, क्योंकि व्यू जितना कैप्चर कर सको, जितने एंगल से कर सको कर सकते हो। उड़ाया जाए ड्रोन। गला तो अपना बंद ही है, वो तो बढ़िया। गाइस अभी मैगी खाने की बात चल रही है और इनका सेग्रीगेशन सुनो, मैगी का क्या बोल रहा था? 20 रुपए की खा लेते हैं, 8 रुपए की मैं खा लूंगा, 7 रुपए की खा लेगी, 5 रुपए की खा लूंगा। 10 की और 10, पहली बात तो 10 की मैगी आनी बंद हो गई कब की, और 5 वाली तो कोई 1-2 साल के लिए आई थी। मतलब दो मैगी के पैकेट, 10 की आती है मैगी, कैसे नहीं है 10 की? नहीं आती, 12 की या 13 की हो चुकी है। दो मैगी के पैकेट और बाकी का 75% का। लेकिन ये कौन सी
लेकिन ये कौन सी भाषा है, 10 की मैगी खानी है, 5 की खानी है, 20 की खानी है? ऐसे होता है, एक मैगी खानी है, दो खानी है, ढाई खानी है, डेढ़ खानी है, आधी खानी है, 10 की खानी, 20 की। एक दुकान वाले ने है ना हमें वो 20 का मैगी का पैकेट आता था ना, हाँ। 19 रुपए का दे दिया था, तो उसको दुकान का नाम रख दिया हमने 19 वाली दुकान। उसको अब तक हम 19 वाली दुकान बुलाते हैं कि वहाँ पे 19 की मैगी, मैगी का नाम तो कौन पड़ता है, हाँ। तो 19 वाली दुकान बुलाते हैं कि 19 की मैगी मिलती है वहाँ वाली दुकान, 19 वाली दुकान, लंबी वाली दुकान, वाली दुकान, खूसट वाली दुकान कौन है? वो एक बार गिफ्ट शॉप में गए तो उसने थोड़ा डांट दिया था। खूसट वाली दुकान अब तक। खूसट वाली कौन है हमारी कॉलोनी में? हाँ। अंकल जी देख लो अगर वीडियो देख रहे हो तो, जिसने डांटा था इसको। नहीं पता। उनको नहीं पता कौन है इनमें से 19 खूसट लंबी। फिर से जा रहे हैं हम लोग अब पैराग्लाइडिंग में, देखते हैं क्या सीन रहता है। ऐप में तो अभी भी रेन दिखा रहा है, बट वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा कि क्या आज पैराग्लाइडिंग हो पाएगी। हो पाएगी, जेट बोट तो हो ही गई, हम करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज नहीं हो पाई तो नहीं हो पाएगी, फिर तो हो ही नहीं पाएगी। चलो, तो हमारा पैराग्लाइडिंग के लिए रीचिंग टाइम 6 बजे है और हम 17:53 ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। हाँ, वो रहा उधर ऑफिस और ये रहा पूरा इंटरलाकन सिटी का, सिटी सेंटर। सो अब आप तीनों जाने वाले हो पैराग्लाइडिंग के लिए, एक्साइटेड? यस। होपफुली हो जाए, अभी अंदर जाके पता करना है। वो लोग जा चुके हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन अभी भी बारिश होने लगी है। सो पता नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, इतना सा मुंह करके वापस आ रहे हो कि नहीं हो पाए, ऊपर गए तब तक बारिश हो गई। बट लेट्स सी क्या रहता है। दूर ऐसे दिख रहा है एक सनी क्लाउड भी आ रहा है, सो मे बी ये थोड़ा सा ऐसे 10-15 मिनट की बारिश हो। आपको क्या लगता है, क्या आज उनकी पैराग्लाइडिंग हो पाएगी? क्या ये हो पाएगा? क्या ये नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि अगर इनको 10-15 इनके पास में आई थिंक डिफरेंट वेदर की एप्स हैं, तो उसमें अगर 10-15 मिनट का विंडो मिला तो बोलेंगे जम 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 जम, पतंगे बहुत उड़ाई होंगी आपने, पतंगों में भी 10-15 मिनट की विंडो चाहिए होती है, तो हम चढ़ा लेते हैं पतंग। बहुत ही बढ़िया व्यू है, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्या ही बताऊं यहां पे, तो वहां पे लेक है शायद, वो यहां पे माउंटेन है, यहां पे मतलब बर्फ है उसके अंदर, और इतने सारी हरियाली है यहाँ पे, छोटे घर दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू है। गाइस क्या मजा आ रहा है, एक बार आप लोगों को आना चाहिए। लोग चल रहे हैं शॉप से उधर, क्योंकि हो गया है उनके लैंडिंग का टाइम, आई थिंक 10-20 मिनट की फ्लाइंग टाइम होती होगी, तो आई थिंक वो पहुंचने ही वाले हैं, तो लेट्स कैच देम। दिखने स्टार्ट हो गए हैं आई थिंक। हाँ, किधर गए? हो रहे हैं, एक एक बंदा लैंड हुआ है अभी। सो ये दिखने लगे हैं पैराशूट्स, मतलब हो गई उनकी पैराग्लाइडिंग, और इनमें से कोई सा भी वो लोग भी हो सकते हैं, वो पीछे भी आ रहे हैं दो। ये शिल्पा कैप्चर करने का कोशिश कर रही है, बनना बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। पूछा
कि आपको कौन सा कलर पसंद है, मैंने ऑरेंज बोला, बट ये ऑरेंज और ब्लैक, ये कलर कलर ब्लाइंडनेस चलता ही रहता है हमारे में, कौन सा ब्लू है। फिर अब मैं इन लोगों के देखने, तो नियॉन ज्यादा प्रिटी। तो इन लोगों की हो गई पैराग्लाइडिंग, कैसी रही? मजा आया बहुत। बाकी अब हम लोग घूम रहे हैं बस इंटरलाकन में, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने की एक शॉप है काफी अच्छी, तो वो खा लेते हैं और बस इंजॉय कर रहे हैं इवनिंग को। मैं थक गई थी तो सचिन ने मेरा बैग पकड़ लिया, आई डोंट नो इस हल्के से बैग से कितनी हेल्प हो रही है, बट सचिन इज लाइक मैं पकड़ के चलूंगा। सचिन एकदम लड़कियों वाला बैग है, यू डोंट केयर, चलेगा, वाइफ की केयर इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप विक्टोरिया यूंगफ्राओ में भी रुक सकते हो, आई थिंक स्टार्टिंग प्राइस पर रूम पर नाइट 80,000 से होती होगी। रुकेगा? चले जरूर, टू नाइट्स ओनली। क्या वो शिल्पा कंफ्यूज हो रही हो क्या सारा? हम काउबेल डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी ले, ज्यादा बड़ी भी नहीं। ये ले ले। कितने की है? 18.19 की उठा लिया इसने, क्यूट है ये, इसमें पैराग्लाइडिंग भी है, इंटरलाकन भी है, ये काउ बेल टाइप भी है, स्विस का लोगो भी है, काउ भी है, सो इट हैज एवरीथिंग। और ये तो डीडी आरजे की आइकॉनिक घंटी है ही, स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की भी है एक्चुअली। पर आवर फ्रॉम हाउ मच? Maybe 17-18 Okay, thank you. I'm not 100% Maybe you'll call that. Yeah. Thank you so much. Okay, bye-bye. लोगों ने ले लिया है सुविनियर, टॉप ऑफ यूरोप, जो यूंगफ्राउ है इनका फ्लैगशिप सुविनियर स्टोर है ये, तो यहाँ पे जैसे काफी कुछ मिल रहा था अंदर। तो यार बहुत भूख लग रखी है, एकदम आइसक्रीम शॉप के सामने खड़े होके वेट करवा रहे हो। और कब से बोल रहे हैं आइसक्रीम खिलाएंगे आइसक्रीम खिलाएंगे, आ गई फाइनली वो आइसक्रीम शॉप। रानी को यहाँ पे लाना है, रानी को याद कर रही है कि मेरा लाल आएगा अभी एक महीने में आ जाएगा मेरा लाल। लाल को जाना ही नहीं है, दो दिन नहीं है स्विट्जरलैंड में, कह रहा जाना ही नहीं है कहीं और, यही रहना। क्या कह रहा था कमल, क्या कह रहा था कि स्विट्जरलैंड जाने के बाद जर्मन जाने का बिल्कुल मन नहीं है, एकदम डल डल जर्मनी, जर्मनी एकदम फीका पड़ गया स्विट्जरलैंड के आगे। और फिर इंडिया के लिए क्या बोल रहा था, इंडिया तो हमारे देश सबसे महान, बदल मत, बदल मत, बिल्कुल नहीं जाना, दीदी जीजू के पास रहना है उसे और नानी को यहाँ लाना है। वाटर स्ट्रीम बता के मेरे को पापा जी को पार्क में छोड़ दिया कि इधर वाटर स्ट्रीम में आगे आगे जाओ, पता नहीं कितना दो कदम चले कुछ ऐसे नाला सा दिखा, हमें से यही क्या वाटर स्ट्रीम, गार्मिश लेके जाएंगे इनके साथ, जर्मनी भी कोई कम नहीं है। सुनो इनके साथ में वो हो गया नदी बोल के नाले में कुदा दिए हो, कैसे हो गया? नदी बोल के नाले में कुदा दिए, नाला भी गंदा नाला, लेके जाओ हमें दिखाओ, लेके जाएंगे। जब से यहाँ पे आए हैं बस चार गलियों में घुमा रहे हैं, अच्छा वॉकिंग चलते हैं, यहाँ पे चार घर हैं, दुनिया बहुत जालिम है, एक तो इन्हें बुलाया इनकी सेवा में लगे हैं और ऊपर से क्या सुनने को मिला, स्विट्जरलैंड भी तो हमें लाए, उसकी कोई तारीफ नहीं हुई है अभी तक, वही कोसा जा रहा है सिर्फ, गाइस प्लीज स्विट्जरलैंड की तो कर रहे हैं तारीफ, स्विट्जरलैंड की कर रहे हैं, हमारे को तो एक बार भी नहीं बोला, तुम लाए यहाँ जन्नत में, नाले में तो हमने कुदा दिया, जन्नत में हमने सही पकड़ा, सही पकड़ा। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर बोलते जाएंगे तो पूरे दिन में चुप ही नहीं होऊंगा, अब ऑब्वियस बात को क्या बोलना है, आप ही लाए हो, क्या बात है, शिल्पा ने बुलवाई क्या बेचारी ने, दीदी दीदी यहाँ ले आई, दीदी पहाड़ी पे ले आएगी। तो अभी जीजू और पबजी खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हो जीजू और पबजी? हम लोग दाल बना रहे हैं, दाल बना रहे और ब्रेड के साथ दाल, दाल फ्राई करके खाएंगे, जर्मन ब्रेड है और चना दाल, यहाँ पे जर्मन से यहाँ पे तड़का लग रहा है, इसमें लाइट है, थोड़ी सी लाइट है, और ये मेरे लिए प्याज की चटनी बन रही है, यहाँ पे रोटी की जगह हम प्याज खा ब्रेड खा रहे हैं,
अभी खाना बन चुका है गाइस, तो दाल चढ़ा दी है मैंने और उसके साथ में चलेंगे जर्मन ब्रेड और तैयार हो खाने के लिए।